चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم وعن اسامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और उलमाए किराम हुफाद किराम कुर्राए किराम और हमारे मस्जिद के बहुत प्यारे हमारे बेटे इमाम मोहतरम दामत बरकातुहुम सब आमीन कहो। अल्लाह आज की रात हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह आज की रात मगफिरत का जरिया बना। अल्लाह आज की रात को रहमत का जरिया बनाए और आज फैसले की रात है। अल्लाह ताला हम सब के लिए सही फैसला फरमाए। इससे पहले कि हम इस रात पर आए और ज़रूरी बातें करें, सबसे पहले एक अल्लाह वाहदहु ला शरीक लहू की अज़मत को हम समझें और हम इस वक्त में एक यकीन बनाएं नामुमकिन को मुमकिन करने वाला अल्लाह, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। कभी कोरोना का हमला हो रहा है, कभी कोई बीमारी का हमला होता, कभी कोई आसमानी वबा, कभी कोई ज़मीनी वबा। सबका खुलासा ये है, ये सब करने वाला कौन? अल्लाह। तो हम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? पूरा दिन मोबाइल पर, अखबार पर, इसने कहा उसने कहा, लॉकडाउन होगा नहीं होगा, इतने बजे होगा इतने बजे ख़त्म होगा। ऐसा लगता सबको इतनी मालूमात है कि इसको एक एक मरतबा पूछो कि तुझे इतनी बहुत मालूमात है, तेरी सूरह फातिहा सही है, कुरान पाक की कुछ आयतें तू सही पढ़ सकता है? अरे मेरे प्यारो, छोड़ दो ना अल्लाह पर, हमें पैदा करने वाला कौन? बस अल्लाह से कहो, अल्लाह ये जो हो रहा है अल्लाह हमारे गुनाहों की न हो सके। लेकिन अल्लाह तू तो रहमान है बोलो बेशक, अल्लाह तू तो करीम है बोलो बेशक, अल्लाह तो मगफिरत वाला है बोलो बेशक। और अल्लाह की आज़मत से बढ़कर, अल्लाह की कसम, कोई आज़मत? हाँ, वो रूम का एक बहुत बड़ा साइंसदान, बोलो रूम का साइंस आती ना साइंस, उसमें इतना आगे एक आदमी था रूम का, उसका हिस्ट्री बोलो, उसकी ज्योग्राफी बोलो, उसका मैथमेटिक्स बोलो, उसका लॉजिक बोलो, इतना एजुकेशन वाला आदमी था, लेकिन मुसलमान नहीं था, बोलो मुसलमान नहीं था। और रूम का था, कहाँ था? रूम का। और बहुत एजुकेशन वाला आदमी था। उसने एक मरतबा, बहुत सारे उलमा बैठे, बहुत सारे उलमा बड़े बड़े उलमा बैठे, हजारों की तादाद में उलमा बैठे, वो रूम का जो पढ़ा लिखा था, जिसका एजुकेशन बहुत ऊंचा था, जिसकी तालीम बहुत अच्छी थी और वो अल्लाह को मानता, उसने सारे उलमा को ओपन चैलेंज किया कि मेरे तीन सवाल का जवाब दोगे। कितने सवाल का जवाब दोगे? मैं आपको बताता हूँ अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की कुदरत। वो रूम का पढ़ा लिखा बुढ़ा आदमी 80 साल का, जो एजुकेशन में बहुत आगे, साइंस में बहुत आगे, ज्योग्राफी में बहुत आगे, मालूमात में बहुत आगे, मगर अल्लाह को मानता मेरा। उसने हज़ार से ज़्यादा उलमा को चैलेंज किया, मेरे तीन सवाल का जवाब दे दो। तो सबने कहा कि देंगे। कहा नहीं दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो मैं बादशाह को कहकर तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। अब कौन खड़ा होगा जवाब देने के लिए? अरे भाई बताओ, कोई खड़ा होगा? कोई खड़ा भी होता तो दूसरा पकड़ के बिठा देता। काय को अपनी औरत को बेवा बनाता, काय को अपने बच्चों को यतीम बनाता? ये तीन सवाल पूछेगा, ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ये साइंस का मैदान, डिबेट का मैदान, मुनाजरे का मैदान, ज्योग्राफी का मैदान, लॉजिक का मैदान, बायोलॉजी का मैदान, ये बहुत आगे पढ़ने लिखने में, ये इसके सवाल बहुत भारी होंगे। आपको मालूम है कोई खड़ा? अरे बोलो ना, साथ में बोलो ना, कोई खड़ा?
एक 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 18 साल के जवान पीछे बैठे थे, 18 साल के जवान पीछे बैठे थे, कपड़ा भी फटा हुआ था, चेहरे से लगता था खाना पीना बराबर मिला नहीं, और खड़े हो गए। मैं जवाब दूंगा। अब इतने सारे उलमा, इतने बड़े बड़े उम्र के उलमा, कोई खड़ा नहीं, और एक 18 साल का जवान खड़ा। तो ये जो बूढ़े मियां थे ना, रूम का जो आदमी था, जो बड़ा पढ़ा लिखा था, वो कहने लगा, जब इतने बड़े बड़े उलमा जवाब नहीं देते, तू कैसा जवाब देगा? उसने कहा, ये मत पूछ, तेरा काम सवाल पूछना, मेरा काम जवाब देना। बोलो सुभान अल्लाह। जब उसने ये इसने सुना तो बहुत खफा हुआ, कहा बुलाओ ये जवान को, बुलाओ। अब वो जो जवान आए, कपड़े भी फटे हुए थे, आके यूँ सामने खड़े हो गए। ये तो बड़ी कुर्सी पर बैठा था। अरे बोलो, ये रूम का आदमी बड़ी कुर्सी पर बढ़िया ताज तख्त के साथ ऐसे बैठा हुआ था। उसने कहा, मेरा पहला सवाल, उसका सवाल सुनना। उसने कहा, मेरा पहला सवाल, अल्लाह के ऊपर कौन? अल्लाह के, और उसने बताया, उसने कहा, अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया, जिन्नतों को बनाया, चरिंदे दरिंदे परिंदे बनाए, अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, अल्लाह के ऊपर कौन? ये कौन सा सवाल उसका? फैजान फारूक भाई साइकिल वाले। उसने कहा कि जवाब दो। वो जो 18 साल के जवान थे कहने लगे, पहले सवाल सब पूछ लेना, तो जवाब साथ में ही दे दूंगा। कितने सवाल पूछने वाला? एक सवाल हो गया अल्लाह के ऊपर। इसका दूसरा सवाल, अल्लाह देखते कहाँ है? क्योंकि ये तो अल्लाह को मानता ही नहीं था। कहा, तुम अल्लाह को मानते हो तो तुम बताओ कि अल्लाह देखते कहाँ? अगर अल्लाह दाईं तरफ देखते, यहाँ देखते, तो अल्लाह को ये नहीं मालूम कि लेफ्ट में क्या होता। अल्लाह अगर आगे देखते, अल्लाह को ये नहीं मालूम पीछे क्या होता। अगर अल्लाह ऊपर देखते, अल्लाह को ये नहीं मालूम कि नीचे क्या होता। तो अल्लाह देखते कहाँ है? अब वो तो नालायक अल्लाह को मानता ही नहीं था। कहा, अल्लाह देखते कहाँ है? कहा, चलो दो सवाल का। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा, क्या? कहा, अल्लाह करते क्या है? अल्लाह करते क्या है? जैसा अभी अभी किसी को पूछो, भाई मैं क्या करता हूँ, मैं कहूँगा मैं बयान करता हूँ। आपको कोई पूछे क्या करते हो, क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, क्या बोलोगे? बयान। सुन, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, आप सुन रहे, मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह को किसी ने देखा? अरे बोलो ना, काली पुल वालों बुलंद आवाज से बोलो ना, अल्लाह को देखा? और कोई देख सकता नहीं ना। अगर अभी हम चाहे कि अल्लाह को देखे तो देख सकते? कभी नहीं, कयामत तक कोई भी अल्लाह को देख नहीं सकता। अल्लाह फरमाते, कोई आँख मुझे नहीं देख सकती, मगर मैं सब आँखों को देख लेता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, ला तुदरिकुहु अल-बसार वा हुवा युदरिकुल बसार वा हुवा लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कोई आँखें मुझे देख नहीं सकती, लेकिन मैं तमाम आँखों को देखता हूँ। अल्लाह तो फरमाते, तेरी आँखें क्या खयानत करती, तेरे दिल में क्या गंदा ख्याल आता, वो भी जानने वाला कौन? भाई हमारी आंखें क्या खयानत करती है, बाजू वाले को नहीं मालूम। हमारे दिल में कितना बुरा ख्याल आया, बाजू वाले को नहीं मालूम, लेकिन किसको मालूम? पढ़ो मेरे साथ में, यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाते, आंखों की खयानतों को पूरा मजमा बोलो जानने वाला कौन है? दिल के अंदर आने वाले ख्यालात को जानने वाला कौन है? वो रूमी आदमी ने कितने सवाल पूछे? पहला सवाल तो बहुत अजीब गरीब सवाल, अल्लाह के ऊपर कौन? दूसरा सवाल, अल्लाह देखते कहाँ है? तीसरा सवाल, अल्लाह करते क्या है? अब सारा मजमा सन्नाटा। वो 18 साल का जवान खड़े हुए, उनका नाम था नौमान। क्या नाम? नाम बोल दो, नाम क्या? उन्होंने कहा, मेरा नाम नौमान है। मैं खड़ा हो गया जवाब देने के लिए, तो बूढ़ा आदमी था रूम का, कहा बोलो बोलो फटाफट फटाफट जवाब, हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए, अब आपके आंसर। तो 18 साल के जवान ने कहा, एक प्रॉब्लम है। क्या? कहा, तुमने सवाल पूछे तो कुर्सी पर बैठ के पूछे, मैं सामने खड़ा था। भाई वो 18 साल का जवान सामने खड़े थे। कहा, आपने सवाल पूछे तो कुर्सी पर बैठ के पूछे, मैं सामने खड़ा था। अब जवाब मेरे को देना है तो मैं कुर्सी पर बैठूंगा, आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे। अब वो बुड्ढा इतना पढ़ा लिखा बुड्ढा गुस्से हो गया, कहा मैं खड़ा? कहा, नहीं, बात इंसाफ की है। इंसाफ की बात यह है कि अगर सवाल पूछना हो तो कुर्सी पर बैठ के सवाल पूछे और मैं खड़े खड़े सुनूं। अब जवाब देना है तो मैं कुर्सी पर बैठूंगा, आप खड़े खड़े सुनेंगे। तो सबने कहा, बात तो बराबर है, खड़े हो जाओ। वो बुड्ढे खड़े हो गए। अच्छा बताओ, गुस्से में खड़े होंगे कि बहुत खुशी खुशी खड़े होंगे? कैसा चेहरा हो गया होगा उनका, वैसे खड़े हो गए। और कहा जवान को, कहा चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट।
हाँ, मैंने कब आपको फटाफट बोला था जब सवाल करने के लिए? आप आराम से सवाल पूछते गए, मैं खामोशी से बिल्कुल कूल, मैं आराम से आपके सवाल सुनता रहा। अब मैं भी आराम से जवाब दूंगा, मेरे जवाब को आराम से सुनते रहना। और फिर कहा, 18 साल के जवान पूरा मजमा बोलेगा, नाम नौमान। उन्होंने कहा, मेरे अब सवाल तुमने पूछे हैं, जवाब मेरा सुनो। आपका पहला सवाल था अल्लाह के ऊपर। 18 साल के जवान ने वो बूढ़े मियाँ को कहा, आपको 1 2 3 आता है, यानी 1 2 3 गिनने आता है? तो कहा, वो तो सबको आएगा, किसको नहीं आएगा? कहा, गिनो। अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप कोई बड़े यहाँ के कालीपुर के डॉक्टर को आके बोले, इधर आ, ABCD पढ़ दो, गुस्से होगा? मेरा डॉक्टर का दवा खाना, लोग अपॉइंटमेंट के लिए तड़पते ने, मेरे को ABCD पढ़ने के लिए बोलता? वो बूढ़ा बहुत गुस्से हुआ, कहा, नहीं जवाब जवाब, आपको गिनती तो करना पड़ेगी, चलो आप भी गिनेंगे साथ में। हाँ, वो बूढ़े ने भी गिनना शुरू किया, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर पहुंचा। तो 18 साल के जवान बस, तो कहे, क्या मजाक है मेरा, 1 से 10 तक गिनवाया, कोई मजाक है? कहा, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ, अभी उल्टा गिन, अभी तो सीधा आया ना 1 से 10, अब 10 से 1 उल्टा चल। अब वो बेचारा करता क्या करता, बुढ़ा था, अब जवाब देना था, उसने गिनना शुरू किया, बोलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक पे आके वो बुढ़ा रुक गया। तो 18 साल के जवान ने कहा, 1 के ऊपर? फैजान फारूक भाई साइकिल वाले, 1 के ऊपर क्या, कुछ भी नहीं। वाह, तेरे 1 के ऊपर कुछ भी नहीं, हमारा अल्लाह भी 1 है, उसके ऊपर भी कोई नहीं। और कहा, हम तो ऐसा, वो तो चूंकि 18 साल के तो बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा, हम ऐसा जवाब थोड़ी देंगे, तू अल्लाह को नहीं मानता, हम तो मानते, कुरान में लिखा है कि अगर तुम्हारी गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं तो हमारा अल्लाह भी उसके ऊपर। पढ़ो, साथ में पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी ऐलान कर दो, हम सब का अल्लाह, साथ में बोलो ना, हम सब का अल्लाह, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, न जना न जना गया अल्लाह, न किसी का बाप बना, न किसी का बेटा बना, अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई नहीं हो सकता, अल्लाह के दरबार के आगे कोई दरबार है। तो 18 साल के जवान ने कहा, जब तेरी गिनती में 1 के ऊपर कुछ नहीं तो हमारा अल्लाह भी कहता है मैं 1 हूँ, हमारे अल्लाह के ऊपर भी कोई नहीं। अब पूरा मजमा, सुभान अल्लाह, उलमा का मजमा। वो तो एकदम हैरान हो गया, कौन ऐसा हाल हो गया जैसा आजकल आप आम खाते होंगे तो चूसे हुए आम का कैसा हाल होता है। बेचारा कुछ बोला नहीं, गुस्से में क्या बोलता मालूम, चलो हो गया, अल्लाह देखते कहाँ है, और साफ कहता मैं अल्लाह को नहीं मानता, तुम मानते हो, अल्लाह देखते कहाँ है, कहा इसका जवाब भी देता हूँ। रात का वक्त था, कहा सब लाइट बंद करो, उस ज़माने में लाइट नहीं थी, कुमकुमे थे, चिराग थे, कहा सब बंद करो। इतना बंद करवा दिया कि कोई किसी को देख भी नहीं सके, अपना हाथ भी नज़र नहीं आवे। तो बुड्ढा कहता मेरे को अंधेरे में मारोगे तो नहीं? तो 18 साल के जवान ने कहा, हम कलमा वाले किसी को धोखा दे के मारा नहीं करते, हम तो सवाल का जवाब दे रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। तो फिर वो बुड्ढा कहता, लेकिन ये लाइट क्यों बंद कराए? कहा, अभी लाइट थोड़ी देर बंद हुई है, अभी एक मोमबत्ती मंगवाते, एक मोमबत्ती मंगवाई, मोमबत्ती कैंडल, कैंडल समझते हो ना, मोमबत्ती, हमारे यहाँ तो मोमबत्ती भी कलर कलर वाली आती, वो तो इतना बड़ा मोमबत्ता होता था उस ज़माने में, वो मोमबत्ता लाया गया और वो बूढ़े के सामने रखा गया। कहा, ये मोमबत्ती मेरे सामने क्यों रखी? कहा, भाई रहने दो ना तुम्हारे सामने। और उसको जलाई, जब जलाई तो उसको कहा, क्या क्या दिखता है? ये मोमबत्ती तो इधर है, लेकिन इससे राइट वाला भी दिखता है, कौन बैठा है? हाँ, ये मोमबत्ती इधर है, बाएं कौन बैठा है वो भी दिखता है, बराबर। हाँ, ये मोमबत्ती से पीछे भी उजाला हो रहा है, मोमबत्ती से आगे भी उजाला हो रहा है, मोमबत्ती से ऊपर भी उजाला हो रहा है। तो उसने कहा, ये तो दिखती बात है भाई, मोमबत्ती अंधेरे में लाओगे तो चारों तरफ छहों तरफ उजाला होगा। 18 साल के जवान ने इतना प्यारा जवाब दिया, 2 आने, उस जमाने में 2 आने की मोमबत्ती, कहा 2 आने की मोमबत्ती से ऊपर उजाला, नीचे उजाला, दाएं उजाला, बाएं उजाला, आगे उजाला, पीछे उजाला, तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे अल्लाह के उजाले का क्या पूछना, वो तो नूर ही।
पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द मثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. जो कुरान करीम के हाफिज है वो जानते हैं इस आखिर आयत के आखिर आखिर में अल्लाह क्या फरमाते, सब पढ़ेंगे, अल्लाह क्या फरमाते, नूरुन आला नूर, अल्लाह कैसे है बोलो, नूरुन आला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह फरमाते मैं तो नूर ही नूर हूँ। वो 18 साल के जवान नौमान ने फरमाया अगर दुआ ने की मोमबत्ती से सब तरफ उजाला हो जाए तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है, वो एक ही वक्त में आगे भी देखे बोलो सुभान अल्लाह, पीछे भी देखे सुभान अल्लाह, दाएं भी देखे सुभान अल्लाह, बाएं भी देखे सुभान अल्लाह, ऊपर भी देखे सुभान अल्लाह, नीचे भी देखे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कितने सवाल हो गए, अब उसका चेहरा कैसा हुआ होगा, जब टायर पंचर होता तो कैसा दिखता, लेकिन गुस्सा होता है ना वो आदमी का ईगो, ईगो कहते दो सवाल हुए, तीसरा सवाल बहुत मुश्किल है, अल्लाह करता क्या है, कहे तो बहुत इजी है, कहा तुमने कब अल्लाह को देखा, देखा तो नहीं तो ये बताओ कि अल्लाह करता क्या। ये 18 साल के जवान ने कहा अल्लाह क्या करता हूँ, मैंने भी देखा सबने देखा, कहा क्या अल्लाह करता क्या, कहा अल्लाह यही करता, तेरे जैसा कुर्सी पर बैठा था उसको मेरे सामने खड़ा कर दिया और मेरे जैसा फकीर जो दो दिन से खाना नहीं खाया उसको कुर्सी पर बिठा दिया, भाई अल्लाह यही करता कि मैं दो दिन से खाना नहीं खाया, मेरे कपड़े फटे हुए, मैं वहाँ कोने में बैठा था, अल्लाह ने वहाँ से उठा के मेरे को कुर्सी पर बिठा दिया और तू इतने बड़े खादिमों के साथ आया, बादशाह का मेहमान बनकर आया, कुर्सी पर बैठा था, मेरे फकीर के सामने बड़ा फकीर बन के खड़ा हो गया। और अल्लाह यही करता कि नहीं करता, बोलो ना अल्लाह, अल्लाह को कोई रोक सकता, पढ़ो ना मेरे साथ में, तुइज्जु मन तशा पूरा पढ़ो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा वा तन्ज़िउल मुल्क मिम्मन तशा वा तुइज्जु मन तशा वा तुज़िल्लु मन तशा بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। पूरा मजमा बोले ना, हुकूमत देने वाला कौन, अमीर बनाने वाला कौन, गरीब बनाने वाला कौन, इज्जत देने वाला कौन और जलील करने वाला कौन, पूरा मजमा बोले ना, सारी ताकतों का मालिक कौन। तो हम इससे पहले कि ये रात पर आके कुछ बातें करें, ये यकीन बनाना है कि ये जो हो रहा है आप इधर उधर सब ध्यान मत दो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब मामला हमारे फेवर में आ जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन है किसी से कुछ नहीं होता, करने धरने वाला कौन, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो अल्लाह बहुत खुश होते। एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा हमारे नबी तशरीफ़ फरमाते, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, सारे लोग खामोश बैठे थे, बिल्कुल एकदम साइलेंट पूरा मजमा बैठा था, मालूम नहीं क्या हुआ, एक सहाबी कोने में थे, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ में, अरे बोलो ना पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक सहाबी ने पढ़ना शुरू किया, क्या पढ़ना शुरू किया मेरे साथ में पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब सब बैठे थे, एक सहाबी ने पढ़ना शुरू किया, हमारे नबी ने ऐसे 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 अपने सर मुबारक को उठाया, और हमारे नबी जब सर उठाते थे ना ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। तो हमारे नबी ने ऐसे चेहरे अनवर को उठाया और पूछा मैं यकरा, कौन पढ़ रहा है, हु इज रिसाइटिंग, कौन पढ़ रहा है, क्योंकि पूरे मजमे में सन्नाटा, कौन पढ़ रहा है और क्यों पढ़ रहा। अब वो साहबी जो बेचारे थे ना जिन्होंने क्या पढ़ा था, वो खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, आ गया आ गया, जब आ गया है क्यों पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल क्या कहूँ, आसमान ज़मीन को देखकर खुदा की ताकत याद आ गई, बोलो सुभान अल्लाह,
रात और दिन के बदलने को देखकर अल्लाह की कुदरत समझ में आ गई, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर कहा आपके चेहरे की खूबसूरती को देखकर पैदा करने वाला याद आ गया, बोलो सुभान अल्लाह। यानी आसमान जमीन को देखकर, रात और दिन के बदलने को देखकर, आपके चेहरे अनवर को देखकर अब मुझे अल्लाह याद आया। उसी मोहब्बत में मैंने कुल अल्लाहु अहद पढ़ा। हमारे नबी पाक ने इतना प्यारा जवाब दिया, हमारे आका बोलो ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तूने अल्लाह की कुदरत को याद कर लिया, तूने अल्लाह की ताकत को याद कर लिया, तूने मेरे चेहरे को देखकर पैदा करने वाले की जलालत को याद कर लिया, तूने अल्लाह को याद करके मोहब्बत में कुल अल्लाह अहद पढ़ा। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम तेरी कुल अल्लाह अहद पूरी भी न हुई उससे पहले पहले अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। तो आज हम सब पहले ये इरादा करें, डरेंगे अल्लाह से इंशाअल्लाह। इस वक्त अगर कोई हमें बचाने वाला है ना तो कौन? सारी दुनिया को देखा, सबको आजमाया, गैरों को अपनों को सबको आजमाया, नतीजा ये है कि अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो कौन कर सकता है? अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारो, इधर उधर हाथ फैलाने से अच्छा, इधर उधर हाथ पांव मारने से अच्छा, सबसे अच्छा ये कुछ न कर मेरे प्यारे भाई, कुछ न कर, जो फराइज है वो अदा कर ले और रोज़ाना वजू करके दो रकात सलातुल हाजत पढ़ ले। अल्लाह मैं मोहताज हूँ, अल्लाह मेरे पास पैसे नहीं, अल्लाह मेरे घर में बीवी का मामला, अल्लाह मेरे घर में बच्चों का मामला, अल्लाह मेरे घर में पैसों का मामला, ए मेरे प्यारो मैं अल्लाह के घर में कसम खाकर बड़ी रात में कहता हूं, दो रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर कभी नहीं होगा। अल्लाह कहता मेरा बंदा मांग मांग, तेरा बाप और तेरी मां और तेरी बीवी इतना करीब नहीं होगी, उससे ज्यादा मैं तेरे करीब हूं। क्या फरमाया अल्लाह ने, वइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह फरमाते कोई इंसान, कोई जिन्नात, कोई फरिश्ता तेरे इतने करीब नहीं होगा, जब तू दुआ मांगता है मैं इतने करीब हो जाता। तो सवाल होता अल्लाह तू कहाँ, कितने करीब हो जाते भाई? अल्लाह इधर आ जाते, इधर आ जाते, इधर आते, भाई करीब कितने? जैसे आप लोग मेरे करीब हो, लेकिन देखो ये सलमान मुझसे दूर बैठा है, अलमास मुझसे एक हाथ दूर बैठा। अल्लाह आप करीब होते तो कितने करीब होते? खल्ला ने क्या फरमाया, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ। अल्लाह फरमाते मैं इतना करीब हो जाता तेरे सीने में जो उछलने वाली रगे हैं वो इतनी करीब नहीं जितना करीब मैं तुझसे हो जाता, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, अब जो मैं बात कर रहा हूँ, पहली बात अल्लाह की आजमत रहेगी इंशाअल्लाह, डर लगता हमको अल्लाह से, काहे का डर, किससे डरने का, क्यों, हमको कौन सा अल्लाह का डर है? ये इतना बड़ा मजमा बैठा है इमाम साहब, मेरे प्यारे बेटे इतना बड़ा मजमा बैठा है, कितने ऐसे होंगे आ जाए शबे बरात, फजर की नमाज, ये मजमे में बैठे फजर की नमाज नहीं पढ़ी। अरे भैया आज रात जागेगा, फजर पढ़ेगा, उसके बाद कब? रमजान की पहली रात, बाकी बीच में हराम का खाएगा, हमारा बाप फजर पढ़ेगा, धोखा देते हैं अल्लाह को, हमारे नबी को धोखा देते, आज किसी को धोखा दो कहता मैं सूरत का बड़ा आदमी है, उसने मेरे को धोखा दिया। अरे उसने तेरे को धोखा दिया, इतना उछलता तू रोजाना प्यारे नबी मुस्तफा को धोखा देता है, अल्लाह जल्ला जलालु अम्मा नवालु को धोखा देता है, अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद नहीं और हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अरे मेरे प्यारो सच बताओ ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे नबी कैसे नबी? पूरा मजमा साथ में बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, हमारे नबी कैसे नबी? सुभान अल्लाह बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी, वो नबी अल्लाह की कसम वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए, बोलो सुभान। हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, बोलो उंगली मुबारक से इशारा करे, इशारा करते जाए करते जाए करते जाए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। अरे हमारे नबी वो नबी, जब मक्के में बारिश ना आए, जब मक्के में बारिश ना आए,
कहे मोहम्मद पानी मांगो, मोहम्मद पानी मांगो, मोहम्मद पानी मांगो। हमारे नबी ने फरमाया ना मांगू, क्योंकि तुमने भी मांगा मैंने भी मांगा, हम में फ़र्क क्या होगा। बोलो हम में, कि सारे मक्का वालों ने कहा हाँ काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे। हमारे नबी कहते मैं भी कह दूँ काबा का पैदा करने वाले पानी दे दे, तो मक्का वालों तुम में और मेरे में फ़र्क क्या होगा। तो सारे मक्का वालों ने कहा फिर पानी कैसा मांगोगे, हाँ तुमने मांगा ना, कहा हमने तो ज़बान से मांगा। हमारे नबी फरमाते मैं ज़बान से नहीं मांगूंगा, तो कैसे मांगोगे। अरे सबने पूछा हमारे नबी को आप कैसे मांगोगे, पूरा मजमा सुभाना लग के ना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरे अनवर थोड़ा सा उठाया, बोलो सुभान अल्लाह, सिर्फ थोड़ा सा चेहरे अनवर आसमान की तरफ उठाया, हल्की हल्की बूंदा बांदी होना शुरू हो गई। फिर हमारे नबी ने दूसरी मरतबा फिर चेहरे अनवर उठाया, रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। फिर तीसरी मरतबा हमारे नबी ने पूरा चेहरे मुबारक आसमान की तरफ उठाया, पूरे मक्के में धूमधाम पानी बरसने लगा। मक्के में पानी, मक्के शहर में पानी, मक्के के जंगलों में पानी, मक्के की वादियों में पानी, मक्के के पहाड़ों में पानी, सारा मक्का कहने लगा पानी आ गया इसलिए कि मोहम्मद आ गए। बोलो पानी आ गया इसलिए कि मोहम्मद आ गए। सारे लोग जाने लगे, हमारे नबी ने अपने चेहरे को यूँ उठाया, नीचे किया, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से आवाज़ आई, ए मेरे प्यारे मोहम्मद, बोलो ए मेरे प्यारे मोहम्मद। हमारे नबी ने पूछा अल्लाह क्या बात है, अल्लाह ने फरमाया मेरे मोहम्मद तकलीफ क्यों उठाई, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता मैं पानी बरसा देता। अल्लाह की कसम ऐसा नबी कहाँ मिले, पढ़ेंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे, बलगलौला याद है याद है, बलगलौला बिकमाली कशफद्दुजा बिजमाली हसुनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि वालिही। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी वाला अली वसल्लम तस्लीमा। तो खैर मैं कह रहा था हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे नबी वो नबी अबू बकर गारे गारे सौर में, बोला अबू बकर गारे सौर में, एक रिवायत में बिच्छू ने आपके पाँव पर डसा, एक रिवायत में सांप ने आपके पाँव पर डसा। हजरत अबू बकर अपना पाँव पकड़ के रोने लगे, अल्लाह के रसूल ने अपना थूक मुबारक हाथ में लिया, अबू बकर के पाँव पर रख दिया। अबू बकर फरमाते अल्लाह की कसम कभी मेरे पाँव में दर्द का एहसास ही न हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आशोबे चशम में आंखें सूजी हुई है, आंखें लाल हो गई है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक मुबारक हजरत अली की आंखों पर रखा। हजरत अली फरमाते मेरे अल्लाह की कसम बदन के जगह जगह दर्द हुआ मगर कभी मुझे आंखों में दर्द नहीं हुआ। बल्कि आपको ताज्जुब होगा, एक सहाबी हजरत कतादा, बोलो कौन हजरत, उहुद में आंख पे तीर लगा, थड़ से तीर लगा, पूरी आंख बाहर, एक आंख पूरी। हजरत वो लोग कैसे कैसे हिम्मत वाले थे, ऐसे आंख को अपनी हथेली में लिए दौड़ रहे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल कहाँ है, किसी ने कहा वहाँ है, गए कहा अल्लाह के रसूल ये खून निकल रहा है, खून ये आंख मेरी यहाँ आ गई। अल्लाह के रसूल ने अपना थूक मुबारक लिया, उनकी यहाँ आँखों पर लगाया, ये उनकी आँखों पर लगाया, आँखों की जगह पर लगाया, यूँ फिट कर दिया। हजरत कतादा फरमाते मेरे अल्लाह की कसम जो आँख में ज़ख़म नहीं आया था वो इतनी ज़्यादा रोशन नहीं थी जितनी मेरी ये आँख में रोशनी ज़्यादा आ गई थी। हजरत कतादा फरमाते ये जो आँख जिसमें मुझे मार नहीं लगी थी, दिन के उजाले में देखता था, वो आँख जिसको नबी ने अपने थूक मुबारक से फिट किया था, दिन के उजाले में भी देखता था, रात के अंधेरे में भी देखा करता था। अल्लाह की कसम बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, और उनके साथ गद्दारी। फैजान फारूक भाई साइकिल वाले, नबी के साथ गद्दारी। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए कभी हमारे कलमे को देखें, ला इलाहा मुहम्मदुर, अब ला इलाहा इल्लल्लाह को देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह को देखें, 14 हरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने जुमले को देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह 14 हरूफ,
मोहम्मद रसूलुल्लाह 14 हरूफ, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह का जाती नाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद का जाती नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर आपने देखा होगा अल्लाह पर तशदीद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद पर तशदीद है, अल्लाह